वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया से होंगे। तो ये हुलिया देख करके डरना मत, मैं अभी रेडी होने वाली हूँ आप लोग के साथ और हम जा रहे हैं डिनर के लिए। आप लोगों को थंबनेल देख के पता लग ही गया होगा, एक्चुअली 2 अगस्त को ना हस्बैंड का बर्थडे था तो हम उस दिन बाहर नहीं जा पाए थे। तो हमने प्लान किया था कि हम जो है अपकमिंग जो सैटरडे होगा यानी कि आज जो वीक में फर्स्ट वीक ऑफ सैटरडे है उसमें हम जाएंगे डिनर के लिए। तो इसी के लिए मैंने रेडी हुई हूँ, तो मैं आप लोगों को पूरा आउटफिट दिखाऊंगी रेडी होकर के। पहले रेडी हो जाती क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, हाय मेरा नाम सुमन है, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं अपने चैनल पर शेयर करती हूँ डेली ब्लॉग्स, लाइफस्टाइल स्किन रिलेटेड वीडियोस, मेकअप वीडियोस एंड हॉल वीडियोस। तो अगर आप लोग ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस नहीं हो पाएगी। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लेना आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए और प्यार को रील्स वीडियोज देखने के लिए। तो चलो रेडी होते हैं। तो मेरा पूरा का पूरा सामान यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो मैं इधर से ही फटाफट से सामान लेकर के रेडी होने वाली हूँ। तो बेटी को मैंने ऑलरेडी रेडी कर दिया है। सबसे पहले मैं पाउंड्स का मॉइस्चराइजर लगाने वाली हूँ, सुपर जेल और बहुत अच्छा है। क्या हुआ निहल? एक्चुअली लाइट का थोड़ा सा फर्क पड़ रहा है। एनीवेज मैंने यहाँ पे मॉइस्चराइजर अप्लाई किया है पाउंड्स का, क्योंकि मेरा फेस ऑलरेडी क्लीन है और मैंने आज हेड वॉश किया है कि मेरे बाल जो है ना नेचुरल कर्ल से लगे। मैं इसको स्ट्रेट नहीं करने वाली हूँ क्योंकि आगे बताऊंगी कि मैंने स्ट्रेट क्यों नहीं किया। अभी फिलहाल मैं यहाँ पर मेकअप कर लेती हूँ। तो सबसे पहले आईब्रो से स्टार्ट करते हैं। मैं बहुत ही नेचुरल मेकअप रखने वाली हूँ। तो पीछे से ना बहुत ज़्यादा शोर आ रहा था क्योंकि टीवी भी चल रहा था और नेहल भी चिलम चिली कर रही थी। तो मैंने कुछ कुछ वीडियोस मतलब कुछ कुछ पार्ट मैंने इस वीडियो में मैंने वॉइस ओवर भी किया है। तो मैंने पहले अपने आईब्रो को अच्छे से पुली कर लिया है, अच्छे से शेप में डाल दिया है ब्रश करके। इसके बाद मैंने यहाँ पर आईब्रो फिल कर लिया है। मैंने बिल्कुल जैसे था मेरे आईब्रो उसी पर मैंने पेंसिल चलाया है, बिल्कुल नेचुरल वे में रखा। और मुझे हैवी मेकअप नहीं चाहिए तो इसलिए प्राइमर यूज़ किया है। प्राइमर वैसे मैंने इनसाइड का अप्लाई किया है। आई एम जस्ट अप्लाई अ फेस कैनेडा का फाउंडेशन और मतलब ये बीबिंग वाला काम करेगा तो इसलिए तो थोड़ा सा ही लेती हूँ, ज्यादा नहीं लेती हूँ क्योंकि मुझे वाइट वाइट फेस है। और फिंगर के हेल्प से ही मैं इसको ब्लेंड कर लूंगी। मैंने हेयर पेंट नहीं लगाया था इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम सी हो रही है। यहाँ पे मैं डार्क ब्यूटी ब्लेंडर ले रही हूँ, हल्के हल्के हाथों से मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ। नाउ आई एम अप्लाइंग कंसीलर, थोड़ा सा कंसीलर मेरे डार्क सर्कल्स को हाइड करने के लिए, बहुत ही कम सा। मुझे ना बीच बीच में म्यूट करना पड़ रहा है इस वीडियो को क्योंकि पीछे से ना कार्टून की वॉइस आ रही है। दिन भर मेरे घर में जिडैन और हाइडी चलता रहता है निहल की वजह से, तो मतलब उसका वॉइस बहुत ज़्यादा आ रहा था तो मतलब बार बार मुझे म्यूट करना पड़ रहा है, कभी ऐड करना पड़ रहा है म्यूजिक, कभी वॉइस ओवर करनी पड़ रही है। रात का टाइम है, थोड़ा शिमरी शेड हो जाए एंड वाई का फिर से रेडी हो रही हूँ यार, टाइम नहीं है मेरे पास। ऐसे भी हम बदनाम है कि गर्ल्स ज़्यादा टाइम लगाती है रेडी होने में, एक्चुअल बात पर हम कभी मानते नहीं है। लाइनर का मस्कारा।
पर अप्लाई कर रही हूँ, फ्रीज ना हो। मैंने सीरम ऑलरेडी लगा चुका हूँ बालों में, छोटे बालों में यही फायदा है, बहुत जल्दी कम हो जाता है। आई एम ट्राइंग दिस फर्स्ट, फिर अगर मुझे लगेगा मैं चेंज करूँगी। मेकअप और हेयर स्टाइल रखा है, मैंने कुछ ज्यादा नहीं किया। आई एम जस्ट वेयरिंग अ ब्रेसलेट, दैट्स इट। सो वी आर इन वेगस मॉल और अभी हम लिफ्ट का वेट कर रहे हैं, पहले डिनर करेंगे, मतलब अगर कुछ टाइम बचेगा तो फिर हम शॉपिंग करेंगे। तो फिलहाल मैंने इसके साथ एक ज्वेलरी ऐड कर दी है, ये वाली, एंड लुक लाइक नाइस। चलो चलते हैं फिर। निहाल हेलो, हाय करो, उसको नीचे छोड़ो। सही हो गया काम, ठीक है काम, बाहर का भी व्यू मिल जाएगा ना तुझे। अगर आप दिल्ली में रहते हो और अभी तक आपने वेगस मॉल विज़िट नहीं किया है तो प्लीज़ मेक श्योर आप एक बार ज़रूर विज़िट करो, आप लोगों को अच्छा लगेगा, और अगर हो सके तो नाइट में विज़िट करना और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये है मेरा ओवरऑल आउटफिट जो मैंने पहना है, ये फ्लिपकार्ट से मैंने ड्रेस मंगवाई थी, इसका रिव्यू भी किया है, और लास्ट मोमेंट पर मैंने ये चोकर ऐड करके इस ड्रेस के साथ अच्छा किया। आप लोग बताना कमेंट करके कि ओवरऑल कैसा लुक लग रहा है। मैंने हील्स ऐड की है, पोनी टेल का जो डिसीज़न था वो गुड डिसीज़न था, क्योंकि स्कूटी पर आने के बाद मैं अगर खुले रखती तो बाल बहुत ज़्यादा जंगली जैसे हो जाते हैं और कोई फ़ायदा नहीं दे, तो इस वजह से, और गंदे भी हो जाते, तो पोनी टेल इज़ अ गुड आइडिया। तो रात के 9 बज रहे थे तो आधे ज़्यादा शोरूम बंद हो गए थे, और मतलब ना ऐसे ऐसे कुछ शोरूम्स होते हैं ना, आप भी अगर मॉल गए होगे तो अगर कोई बॉडी शॉप वाली शॉप हो या जो मतलब परफ्यूम वाली, उनकी पास से निकलो तो कितनी अच्छी खुशबू आती है ना, वैसी वाली फ्रिक्वेंस आ रही। नेहल जंप, मज़ा आया। तो वेगस मॉल में आपको सैटरडे संडे रेस्टोरेंट में बहुत ज़्यादा भीड़ मिलेगी, सीट भी नहीं मिलते हैं। अगर आपको जाना है तो आप बुकिंग करा के जा सकते हो। तो हम कैफ़े दिल्ली हाइट्स से आ रहे थे तो हमने बुकिंग नहीं कराई थी, तो हमें थोड़ा वेटिंग लिस्ट के लिए मतलब हमें नाम लिखवाना पड़ा, बट अनफॉर्चुनेटली हमें सीट मिल गई थी क्योंकि दो लोगों के लिए सीट अवेलेबल। तो हमें जो सीट मिली वो विंडो सीट थी, और इतना प्यारा नज़ारा देखने को मिल रहा था वो भी डिनर पे, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा सा आ रहा था, और निहल भी इंजॉय।
वैसे तो हमने भी वेटिंग लिस्ट में नाम लिखवाया था और उन्होंने हाफ एन आवर वेट करने के लिए बोला था, तो हम जा रहे थे। बट मेरे ध्यान में आया कि हम चार लोग तो है नहीं, दो ही लोग हैं, दो लोगों की सीट्स तो अवेलेबल होंगी, तो हम मैंने दो सीट्स पता की थी तो हमने ये सीट्स ले ली। और निहल के लिए मैंने एक अलग से चेयर मैंने देखी, तो अलग से चेयर मैंने उसके लिए मंगवाई जो बच्चे बैठते हैं, जिसपे अभी आप देखोगे। और जो ये खा रहे थे ना, तो ये कैपिटल हाइट में आपको फ्री मिलेगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा क्राउडफुल था, बहुत ज़्यादा लोग, मतलब यहाँ पे ना सीट्स अवेलेबल नहीं थी, एक एक घंटे की बुकिंग चली गई थी। और ये सीट्स मैंने नेहल के लिए ले ली थी, वहाँ पे अवेलेबल। खुद खा लो। हेलो मम्मी को खिला दो, मिम्मी को। डांस करते हुए कतई वीडियो भी बना रही है ये। खाने दो ना, खुद से खा रही है बस। नेहल 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 बल्ले नेहल हेलो ओए नेहल हेलो हेलो बल्ले कर दो। तो उस चेयर पे ना मेरा ध्यान चला गया था, तो मैंने रेस्टोरेंट वालों को बोला, तो उन्होंने चेयर दे दी। ऐसा मतलब सर्विस है, आप लोग भी बात कर सकते हो। मैंने तो कभी ध्यान नहीं दिया, अब जाकर ध्यान दिया, तो मैं हर बार रेस्टोरेंट में बात ज़रूर करूँगी। तो हम लोग का खाना हो चुका है, डिनर हमने कर लिया और मुझे बहुत मज़ा आया कैफ़े हाइट दिल्ली में। तो ये मतलब डिनर आप अगर करना चाहते हो तो आप जा सकते हो करने के लिए। तो हम जा रहे हैं फाइनली घर अब। निहाल पकड़ो। नहीं 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 आ जाओ। मैं आ गई घर और मैंने सारे मेकअप रिमूव कर लिए, मैंने पोनीटेल जो बनाया था उसको भी मैंने हटा करके कॉम कर लिया। मैंने अच्छा डिसीजन था कॉम मतलब पोनीटेल बनाने का। अगर नहीं बनाते तो मेरे बाल बहुत ज्यादा ना मतलब गंदे हो जाते और फ्रीजिस हो जाते, और आज ही मैंने सर धोया था तो उस चीज से मुझे रिलीफ हुआ और अच्छा भी लग रहा था। लोग आप लोग मुझे बताना कैसा लग रही थी मैं। और मैंने ना मेकअप रिमूव करने के बाद अपना नाइट रूटीन, जो मेरा स्किन केयर का नाइट रूटीन है, वो भी मैंने अप्लाई कर लिया है। तो यही था आज का व्लॉग और डिनर वाला फैमिली व्लॉग था। आई होप सो आप लोग को ये वाला व्लॉग अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज मेक श्योर इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना ना भूले। और विनर्स मैं कल अनाउंस करूंगी यूट्यूब पे लाइव आकर के ज्वाइन करना, हो सकते हो आप भी विनर हो। तो चलिए आज का ब्लॉग इतना ही था, गुड नाइट।